मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस नविदा शेख फ्रॉम बृहन मुंबई महानगर पालिका MCGM वर्चुअल क्लास. आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू अनदर एन इंटरेस्टिंग सेशन. इन टुडे सेशन वी विल बी लर्निंग समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग फ्रॉम अ साइंस टेक्स्ट बुक. सो लेट्स गेट. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस नविदा शेख फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लास. आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू अनदर एन इंटरेस्टिंग सेशन. इन टुडेज क्लास वी विल बी लर्निंग the next part of the chapter that we started last week, that is environmental management part 2. Now, as you know that in our first video we have learned about what is the difference between weather and climate. Okay, so we know what is weather and what is climate, and we also have understood the climatic factors which make the weather and the climate different from place to place. And with the help of the video, it was quite clear to all of you all. And if you haven't watched that video, please go and watch the previous one, and then you will be able to understand today's video, which is related to the topic that we learned last week. All right, so let's get started. Let us see the importance of weather in the living world. Now, as I told you that वेदर इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि वेदर का जो कंडीशन है वो बहुत सारी चीजें डिपेंड उसके ऊपर डिपेंड होती है. लेट अस सी अ फ्यू इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड. द वेरी फर्स्ट इज ह्यूमन प्रोग्रेस. ह्यूमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू कंड्यूसिव क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी. नाउ एवरीबॉडी नोज कि हमारे इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर प्लांट अगर उगाना है, ठीक है, लाइक मैंगोज. Now, mangoes does not grow very nicely, और जैसे क्वालिटी चाहिए वैसे अगर उसे कश्मीर में उगाएंगे तो वैसे नहीं उगेगा. सेम में अगर सैफरन को अगर हम लोग महाराष्ट्र में उगाने की कोशिश करेंगे तो वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है. तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन प्रोग्रेस डिपेंड करती है, ठीक है. सो इफ humans need to progress, there they have to consider about the climate and the geography of a particular region. ki yahan par bhai ye kaam kar sakte hain nahi kar sakte hain. Like suppose if there is too much of sunlight and the temperature is very high, you cannot grow strawberries over there. theek hai, to strawberries ke liye mild sunlight lagti hai. you do not require too much of sunlight or too much of water over there. to climate agar wahan ka cheez sahi hoga तो ही वहां पर ह्यूमन प्रोग्रेस कर सकते हैं, ठीक है. सो दिस पॉइंट एक्सप्लेन्स दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव डिजाइन्ड अ टाइम स्केड्यूल फॉर देयर लाइव्स बेस्ड अपॉन सेंचुरीज ऑफ क्लाइमेटिक एक्सप्रेशन. सो वी हैव ऑल अंडरस्टूड दिस लाइन बिकॉज हम लोग सब अपने टाइम जो है वो हमारे क्लाइमेटिक क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उसके हिसाब से हम लोग एडजस्ट करते हैं. लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर अ वेकेशन, when do you go? you go during the summer vacations, right? to summer vacation में क्यों जाते हैं? because हमारे यहाँ का climate बहुत high हो जाता है, ठीक है. तो हम लोग दूसरी जगहों पे जाते हैं, hill stations वगैरह पे जाते हैं ताकि वहाँ पर हम लोगों को इतनी धूप या गर्मी ना लगे. so we have made our life, we have designed our life in such a way that it is dependent upon the climate only. Scientists find it necessary to study climate in view of its effect on agricultural production. This is a very important point about agriculture. अगर कोई farm अगर कोई farmer है and if he wants to grow rice, he cannot grow rice where there is less water. पानी rice को बहुत लगता है, ठीक है. तो वहाँ पर बारिश होना जरूरी है क्योंकि इतना पानी तो रोज के रोज नहीं पहुंचाया जा सकता. तो रेनफॉल इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर सच प्लांट्स. सो देयर द साइंटिस्ट कीप ऑन स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन, अबाउट द वेदर कंडीशन, एंड देन दे हेल्प द फार्मर्स फॉर डूइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. ओके, सो साइंटिस्ट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टडी क्लाइमेट इन व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड. Daily weather as a long term climatic condition influences human lifestyle directly or indirectly. Land, water bodies, plants and animals collectively form the natural environment on earth. This environment is responsible for the development of organisms. Now with this statement it is very clear that climate plays a very important role in our day to day life.
like the way we dress, the way the food that we eat, everything is influenced by the climatic condition, directly or indirectly. Even plants and animals adapt themselves to the climatic conditions that are there. जैसे कि अगर डेजर्ट है तो डेजर्ट कंडीशन जो क्लाइमेटिक क्लाइमेट है वहाँ का, उस हिसाब से वहाँ के जो प्लांट्स अडैप्ट कर लिए अपने आप को, उसके अंदर लीव्स की जगह पर दे हैव पॉइंटेड थॉर्न्स और स्पाइंस ऑन देयर बॉडी, एंड इवन द एनिमल्स हैव अडैप्टेड देमसेल्फ, दे हैव थिक लेयर ऑफ स्किन ओवर देयर बॉडी सो दैट दे डू नॉट लूज आउट मोर वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. They, you must have learned about animals in the polar region also. Now, all these things are because of the climatic condition. Okay, so humans, animals, plants, everything is dependent upon the climatic condition directly or indirectly. Okay, and this is important for the environment and for the development of the organisms. The climate of a particular region helps to determine the diet, clothing, housing, occupation, and lifestyle of the people of that region. So suppose if you have a particular region jahan par garmi zyada hoti hai to wahan par agar log aam ugana chahte hain ya fir gehu ugana chahte hain to they can do that. theek hai, ab jahan par garmi zyada hai wahan par hum log thandi cheeze uga nahi sakte, to according to the climatic condition also people have taken up occupation according to that. theek hai, har jagah par हर जगह पर कोई भी प्लांट नहीं उगा सकते, कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन. अगर जहाँ पे ठंड है वहाँ पर लोग ब्लैंकेट्स बेचते हैं, ठीक है, जहाँ पर गर्मी है वहाँ पे लोग ब्लैंकेट्स नहीं बेचते हैं, तो उस हिसाब से ऑक्यूपेशन भी डिफर करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो खाने की जो चीज़ें हैं वो भी डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन. ओके, द वे यू ड्रेस, द क्लोथ दैट यू वेयर, इफ़ यू गो टू द नॉर्थ you will find people wearing sweaters and woolen cloths. Now when you come to the when you are in Maharashtra, right, for right now we do not need too much of woolen cloths, right, we wear cotton cloths normally, so that the climatic condition suits us and it helps us to have a healthy lifestyle. theek hai, so climatic condition ke wajah se hamare clothing, hamara housing, hamara occupation, har cheez different hota hai. ठीक है, हमारी लाइफस्टाइल बदलती है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन. सैलिनिटी ऑफ मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ओशनिक करंट्स, वाटर साइकिल एटसेट्रा आर ऑल रिलेटेड टू वेरियस वेदर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. नाउ इफ यू गो टू इफ यू आर जस्ट नियर बाय सी शोर, ओके, ओवर देयर यू मस्ट हैव नोटिस्ड द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी इज वेरी डिफरेंट. सो हर जगह की वहाँ हर जगह के पास उसके जो वेदर कंडीशन है, उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉर ओशनिक करंट्स ऑल्सो, फॉर वाटर साइकिल ऑल्सो. ठीक है, जहाँ पर धूप होती है वहाँ पर इवेपोरेशन होगा, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो रेनफॉल होगी. ठीक है, सो दिस प्रोसेस किप्स ऑन going, that is water cycle. अब ये water cycle भी क्यों हो रही है? Because of the climatic condition. Okay? The next important thing about weather is various climatic factors bring about the weathering of rocks in the earth's crust. Means if there is rainfall, if there is too much of wind blowing, तो जो बड़े-बड़े जो rocks होते हैं वो बारीक-बारीक उसके ऊपर से सैंड बननी शुरू होती है, दे क्रैक एंड दे क्रैक ओपन एंड यू कैन फाइंड सैंड फॉर्मिंग बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, तो उसके वजह से क्लाइमेट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स. क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड एनरिचमेंट ऑफ सॉइल. ठीक है, अगर वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो रहा है तो सॉइल फॉर्म होता है, और ये जो नया सॉइल फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक, इट इज मोर एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स एंड इट इज मोर गुड फॉर द crops. Microbes in the soil play an important role in the formation of organic materials. ठीक है, so microorganisms which are present in the soil, they also play a very important role in our environment. This process depends upon various climatic factors. Thus, it is very clear that the study of meteorology is very important from the view of human life.
So now before this word meteorology, I will be explaining all about meteorology. Now it is a study of weather. Okay, how it is done, by which means it is done, we will be learning that also. Okay, so everything, your plants, animals, humans, how we eat, how we wear our clothes, and what type of occupation has to be done, the salinity of water, the microorganisms, everything is dependent directly or indirectly on the climatic condition or the weather. So most countries in the world have established meteorology department for making and recording such observations about weather. These departments have observatories which are equipped with modern instruments and technology. Okay, this is one of the meteorological department. Climate is the net result of a complex mixture of various atmospheric factors. Forecasting is very complicated and difficult. ओके हम लोग जो न्यूज में देखते हैं तो लोग बड़े आसानी से हम लोग देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर्स बोल देते हैं कि आज का टेम्परेचर ऐसा रहेगा, यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, ये ऐसा है वैसा. बट इट इज एक्चुअली टू गेट दोज इन्फॉर्मेशन एंड टू पुट इट डाउन टुगेदर कि एक्चुअली में वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन आज कैसा होगा या फिर वहाँ का वेदर कैसा होगा. दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड अ कॉम्प्लिकेटेड वन. ओके सो देर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट विच इज जस्ट फॉर to study about the weather condition. Okay, so this is the meteorology department. It is very important in each and every country. Now let's learn more about meteorology. The science that studies the interrelationship between the various components of air, natural cycle, geological cycle, geological movements of the earth and climate is called meteorology. Okay, जो स्टडी हम लोग करते हैं अबाउट एयर, द नेचुरल साइकिल्स, जो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑल दीज साइकिल्स दैट आर देयर, एवरीथिंग उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्टॉर्म्स, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एटसेट्रा. Depending upon the study of such factors, weather forecasts are made. ठीक है, तो जैसे जिस तरीके से अगर वहां पे स्टॉर्म हो रहा है या फिर रेनफॉल है, लाइटनिंग है, थंडर है, उस हिसाब से सब चीज कंसिडर करके वेदर फॉरकास्ट बनाया जाता है. दे आर यूजफुल टू कॉमन पीपल, फार्मर्स, फिशरर्स, एविएशन सर्विसेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब फार्मर्स को भी पता होना चाहिए कि बारिश कब होने वाली है, कितनी हो सकती है, तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट उन्हें अलर्ट करता है. सेम वे फिशिंग करने के लिए जब फिशरर्स जाते हैं पानी में तो वहां पर उन लोगों को पहले ही बता दिया जाता है क्या स्टॉर्म आने वाला है पानी में, सो दे आर नॉट अलाउड टू गो ओवर देयर. ठीक है, पानी में जाने उन्हें अलाउड ही नहीं किया जाता है. लाइक दैट वेदर फोरकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेम वे फॉर एविएशन सर्विसेज, लाइक अगर एरोप्लेन्स जब उड़ते हैं, एविएशन मीन्स इट इज रिलेटेड टू एयरप्लेन्स एंड एयरक्राफ्ट्स. ठीक है, तो अगर बारिश होने वाली है या फिर वहां पर बहुत नॉर्मली हल्की बारिश होती है तो फ्लाई प्लेन्स कैन टेक ऑफ एंड दे लैंड ऑल्सो. बट इफ सपोज देर इज अ स्टॉर्म ऑफ देर इज टू मच ऑफ रेनफॉल, दैट टाइम द वेदर फॉरकास्ट इज यूजफुल ओवर देयर फॉर एविएशन सर्विस ऑल्सो. उनको पहले पता चल जाता है कि ऐसा वेदर हो सकता है. ठीक है, सो दे टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉर दैट एज वेल. वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो, इफ देर इज इफ पीपल वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट फूड स्टाफ और एनी अदर मटीरियल फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, तो वहां पर भी वाटर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है. बिकॉज पानी में जब जाता है इंसान तो वहां पर क्या होता है, ओशनिक करंट. हम लोग ने पढ़े थे कि क्लाइमेट की वजह से ओशनिक करंट फॉर्म्स होते हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट लेयर्स फॉर्म होती है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड देन ओनली द पीपल गेट इन टू द वॉटर. ओके, सो मेट्रोलॉजी इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल सच ऑक्यूपेशन एज वेल. नाउ हाउ दिस इज डन. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अ सैटेलाइट विच इज मूविंग अराउंड द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड इट कीप्स ऑन रिकॉर्डिंग अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशन विच इज हैपनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है,
Now here you can see how the satellites moves around the earth. It keeps on rotating and keeps on getting the information about the climatic condition, if there is a storm, or if there is a cyclone coming. Okay, so everything can be recorded through the satellites, and it is very helpful for the meteorology department as well. The study of weather and climate. Weather stations have meteorological instruments to get information about the weather condition. Some of these instruments are thermometers, barometers, rain gauge, and wind gauge. Okay, so these are instruments which are used to study the weather and climate. Kya aaj temperature kya hoga to thermometer se measure kiya jata hai, theek hai? Then barometers are used, rain gauge. Rain gauge ke bare mein to aap logon ne padhe honge. In order to measure ke how much rainfall has fallen in a particular region, and wind gauge ke storm hai ya nahi hai ya normal winds blow kar rahi hai. So wind gauges are used. Okay, so these are a few instruments which are used for the study of weather and climate. Now the weather instruments measure weather conditions. One of the most important condition is air pressure, which is measured by barometer. Okay, it is also very important to know the pressure of air, which can be measured by the barometer. See the other commonly used weather instruments, that is thermometer. It measures temperature. Anemometer, it measures wind speed. Rain gauge measures the amount of rainfall. Hygrometer measures humidity. Wind vane shows wind direction. Snow gauge measures the amount of snow. So these are few more instruments which are used to measure various climatic factors. Okay, so it is very important for us to remember about the climatic factors and which are the instruments which are used to measure that and get us a collective information ki wahan par aaj climatic condition ya fir wahan par weather forecast kya hai. Theek hai, so I hope with this it is clear. The weather is one of the most powerful, important forces on Earth. But how do you know what the weather is going to be like so you can plan ahead? A lot can go wrong if you don't plan for the weather. While you're busy with your everyday life, a global network of gadgets scan and measure the atmosphere, collecting data from all over the world. Radar systems, weather balloons, ocean monitoring buoys, and lots of other cool instruments track changes to help predict the weather. Another vital ingredient is space. Way out in orbit, weather satellites are getting the big picture of atmospheric changes. These European weather satellites, METOP and Meteosat, give us the ability to see the weather before it reaches us. Orbiting the Earth 14 times a day, around 850 kilometers up, METOP keeps a close eye on temperature, humidity, and winds. METOP's observations, along with all the other data, are fed into powerful supercomputers. These huge machines then crunch their way through millions of bits of data about current weather, oceans, and atmosphere to forecast future weather. The process is called numerical weather prediction, and is what scientists use to help us plan our lives. It's clever stuff. Individuals and entire countries can react when bad weather is on the way. Governments, pilots, farmers, fishermen and sailors, shop owners, tourists, building workers, and even power stations all rely on accurate weather forecasts. Further out in space, at 36,000 kilometers, Meteosat stays over the same spot on Earth, keeping a 24-hour watch over Europe and Africa's weather. This type of satellite is essential for detecting the development of rapidly changing weather, such as storms or fog, helping meteorologists work out what is likely to happen in the next few hours. So many lives are affected in huge ways by the weather and our ability to predict and plan for it. And everyone's life is affected in little ways every day. Weather forecasts enable us to plan to keep traffic moving, planes on schedule and on the safest path. And everyone's day, well, not always without a hitch.
So remember that a whole host of satellites and other amazing weather technology are always at your fingertips whenever you have plans. So don't forget to check the weather. So, I hope with this it is quite clear to all my students about the difference between weather and climate, what is the importance of weather and climate in our day-to-day life and in our environment. And it is also, I think it is quite clear to you all that how weather forecast is done. And with the help of the video, I hope it is quite clear to all of you all now. So, we will be learning few more interesting things in your next coming period. So, please see to it that you all go and watch the previous video also and this video also. If there's any problem, you can comment and ask us a few questions if you want. Thank you. If you liked the session, please do not forget to subscribe to our channel so that you can share and view the videos that we had today for you. And please do not forget to hit the bell icon so that you remain updated with all the latest videos that we'll be making for our dear students. Session was quite useful to you. In the next coming period, we'll learn something new and interesting. Till then, thank you.